लेकिन उस दुखी जीवों को सुखी करने वाली हे कृष्ण आपकी कथा है। कवि विरीडितम, बड़े बड़े कवियों के द्वारा आपकी कथा गाई गई है, सुखदेव व्यास, सूत, भीष्म, बड़े बड़े लोग आपकी कथा गाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कथा कल्म शाप हम सारे कलमश को मिटा देती है, सारे कलमश का नाश कर देती है। इतना ही नहीं, श्रवण मंगलम, आपकी कथा जो सुन लेता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, ये सब रामायण की चौपाई है। इस बार तो गाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अगले साल अब बता ही दूं, आज ये कथा समाप्त होने वाली है, लेकिन कथा का फल होता है दूसरी कथा। आज तो ये कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन दूसरी कथा जो है आने वाले साल को होगी, और उस समय राम कथा होगी। सुंदर राम प्रभु और रति प्रिया माता जी का ये अनुग्रह है कि हर साल यहाँ पर कथा हो। तो उन्होंने कह रहे थे कि प्रभु हमको विरह हो रहा है कि अब चले जाओगे और क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि अगले साल की कथा हम फिक्स कर देते हैं, ताकि मन में एक आशा बनी रहेगी कि अब कथा होने वाली है। तो अगली बार हम राम कथा सुनेंगे और इसे चौपाइयों को गाएंगे। शिव जी ने कहा था राम कथा सुनाने से पहले, मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान की कथा जो है मंगल प्रदान करने वाली। श्रवण मंगलम, इसको सुनने मात्र से जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। और इतना ही नहीं, श्रीमदाततम, कथा सुनने से व्यक्ति श्री युक्त हो जाता है। श्री युक्त, श्री का अर्थ है सौभाग्य, श्री का अर्थ है सुंदरता, श्री का अर्थ है ज्ञान, श्री का अर्थ है लक्ष्मी। कथा सुनने वाले के जीवन में ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अंत में गोपिया कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरि दार्जना। भूवि माने इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो है कृष्ण कथा, भगवत कथा, सबसे बड़ा दान। जेब में यदि पैसा हो और आपके मन में इच्छा हो कि मैं इस पैसों से सबसे बड़ा दान करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कहता हूं, भागवत में, गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, भुवि गृणन्ति भूरि दार्जना, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है भगवत कथा का दान करना। क्योंकि आपके जेब में पैसा है, भोजन खरीद कर किसी को खिला दिया, कितने देर तक पेट में रहेगा? किसी को कंबल खरीद कर दे दिया, कितने दिन तक चलेगा? किसी को सीधा पैसा दे दिया तो कितने दिन तक खर्च होगा? परंतु उस पैसे के द्वारा आप भागवत कथा का दान कीजिए। जब वो आदमी भागवत कथा सुन लेता है तो वह भटका हुआ जीव सदा सदा के लिए सुखी बन जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। भुवि गृणन्ति ते भूरि दार्जना, इस दुनिया में यह सबसे बड़ा दान है, सबसे उत्तम दान है, इससे बड़ा दान और कोई नहीं है। भागवत में गोपियों ने कहा और भगवदगीता में कृष्ण ने कहा, यदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा। हे अर्जुन, इस गीता भागवत का ज्ञान इस दुनिया में जो दूसरों को देता है, दूसरों को इस गीता और भागवत का जो प्रचार करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। वैसे भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, आरती करने वाले को, पूजा करने वाले को, सबको, लेकिन जो गीता भागवत का प्रचार करते हैं भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। यहां तक कह दिया, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, भूतकाल में न तो मुझे कोई उतना प्रिय था, न वर्तमान में है, न भविष्य में कोई होगा, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे इस गीता भागवत को देने वाला, प्रचार करने वाला, दुनिया में सबसे बड़ा दान। श्री प्रभुपाद अक्सर एक दृष्टांत दिया करते थे,
एक पिता और पुत्र दोनों मेले में गए। उस छोटे से पुत्र ने पिता की उंगली को पकड़ कर रखा था और मेले में गए। मेले में बहुत भीड़ थी तो उस पुत्र के द्वारा पिता की उंगली छूट गई, पुत्र भटक गया। और जैसे ही पिता की उंगली छूटी तुरंत वह पुत्र रोने लगा। मेला समाप्त हुआ, पिताजी ने पुत्र को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। और वह लड़का, छोटा सा बालक, उस मेले से बाहर गया, रो रहा था। किसी ने सोचा बेचारा भूखा है, दो तीन वड़ा पाव लेकर उस बालक को खिला दे। खैर मुंबई के लिए वड़ा पाव, यहां तो इडली सांभर। तो थोड़ा सा भोजन लेकर उस बालक को दे दिया, लेकिन फिर भी वो बालक रोता रहा। रोते हुए आगे चला, आप ध्यान से सुनिएगा, रोते हुए आगे चला। तो किसी ने सोचा कि ये ठंड का समय है, लगता है इस बालक को ठंड लग रही है, तो किसी ने कंबल लाकर दे दिया। लेकिन फिर भी वो बालक रोता रहा। आगे गया, किसी ने सोचा कि ये भिक्षुक है, भिखारी है, ये सोचकर किसी ने बालक को कुछ पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी वो रोता रहा। आगे चला, चौथे आदमी ने जब उस बालक को देखा तो चौथे आदमी ने सोचा कि ये बालक गरीब नहीं है, ये किसी बड़े बाप का लड़का है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है। तो चौथे आदमी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? लेकिन वो तो रो ही रहा था। वो चौथा आदमी बालक को लेकर पुलिस स्टेशन में गया। जैसे ही पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया, सारे पुलिस वाले खड़े हो गए। बोले, भाई साहब आपका धन्यवाद, हम इसी बालक को ढूंढ रहे थे, इसके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रईस हैं। तुरंत उसके पिताजी को फोन किया, उसके पिताजी मर्सिडीज कार लेकर आए, उस बालक को कार में बिठाए, बालक खुश, पिता खुश, दोनों चले गए। मेरा आपको एक प्रश्न है, उस बालक को, रोते हुए बालक को चार लोग मिले, चार में से बुद्धिमान कौन? थोड़ा सोच समझ कर बताइएगा, चार में से बुद्धिमान कौन? चार में से सबसे ज्यादा कृपा किसको मिली? भोजन देने वाले को भोजन दिया लेकिन फिर भी बालक रो रहा था। पैसे देने वाले को, बालक तो फिर भी रोता रहा। तो फिर कंबल देने वाले को, कंबल देने वाला बुद्धिमान नहीं, तो बुद्धिमान कौन? चौथा। लेकिन चौथे ने तो कुछ नहीं दिया, विचार कीजिए, ये तीनों ने तो पैसा यूज किया, चौथे ने तो कुछ नहीं दिया। उस बालक को पकड़कर पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन वाले ने उसके पिता को बुलाया, बालक और उनके पिता का मिलन हो गया, दोनों खुश हो गए, है ना। भले चौथे व्यक्ति ने बाहर से दिखाई, हमको दिखाई देता है कि कुछ नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी ने दिया तो उस चौथे व्यक्ति ने। ठीक उसी प्रकार वो बालक और कोई नहीं हम लोग हैं, और वो पिता और कोई नहीं भगवान कृष्ण है, परम पिता। जिस दिन से हमारी भगवान से उंगली छूट गई उस दिन से हम लोग रो रहे हैं। मैं एक सरल भाषा में बता रहा हूं, शास्त्र में तो श्लोकों में बहुत कुछ लिखा है। कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे जापट या धरे। जिस दिन से यह जीव भगवान से विमुख हुआ है उस दिन से इसका रोना शुरू हो गया है, ये शास्त्रीय भाषा। जिस दिन से संसार के जीव को भगवान की उंगली छूट गई उस दिन से रो रहा है। उस रोते हुए जीव को किसी ने भोजन दिया, किसी ने कंबल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने पैसा दिया, लेकिन फिर भी रोता रहता है। संसार का जीव तब तक सुखी नहीं होगा जब तक अपने बिछड़े हुए पिता से मिल नहीं जाता है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है संसार में भटके हुए जीव को परम पिता भगवान से मिला देना, भगवान से जुड़ा देना, सबसे बड़ा दान। और भगवान से जुड़ाने की जो क्रिया है वो है भागवत है? इस भागवत के माध्यम से संसार का जीव भगवान से जुड़ता है, भगवान से संबंध जोड़ता है, और जिसका संबंध जुड़ा है उसका संबंध प्रगाढ़ होता है। अतः इस दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वह है भगवत कथा का दान, क्योंकि इस भगवत कथा के माध्यम से जीव का भगवान के साथ मिलन हो जाता है।
इस अवसर में मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सुंदर राम प्रभु को और रति प्रिया माता जी को, जिन्होंने अपना तन मन और धन ये सब कुछ लगाकर इस बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम के माध्यम से भूले भटके जीव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं, जिसके हृदय में प्रेम है वो प्रेम को बढ़ा सकते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहने चाहिए ताकि जीव नित्य सुख को प्राप्त कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके। गोपियाँ कहती हैं दुनिया में सबसे बड़ा दान है भगवत कथा का दान। और जरूरी नहीं है कि भगवत कथा का दान मात्र व्यासपीठ से ही हो सकता है। सब लोग माइक के सामने बोलना जानते हो ये जरूरी नहीं है। चाहे भगवत कथा बोल रहा हो या इस कथा में कोई सेवा कर रहा हो या कोई धन लगा रहा हो, ये सब भागवत कथा के दानी हैं। सब लोग अपनी अपनी योग्यता से, कुछ लोग वाणी से, कुछ लोग धन से, कुछ लोग इंद्रियों से, कुछ लोग मन से, इस प्रकार से भागवत में सहयोग करना ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। गोपियों ने कहा, कृष्ण आपकी कथा हमें जिला रही है। इस प्रकार वैसे ये गोपी गीत तो बहुत लंबा है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक कल्प तक यह रासलीला चली। सारी गोपियाँ अपने अपने स्थान पर गई। कृष्ण लीला तो समुद्र के समान अपार है, अनंत है, परंतु अनुष्ठान है कि अंत में कृष्ण सुदामा कथा सुनेंगे। तो आप यही समझिए, 11.5 वर्ष तक भगवान कृष्ण गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, और 11.5 वर्ष के बाद वे वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा में कंस को मारे, चाणूर मुष्टिक को मारे, कुब्जा का उद्धार किए, उस धोबी को मारे, सुदामा माली का उद्धार किए, और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराए। देवकी और वसुदेव ने देखा कि हमारा बेटा 12 वर्ष का हो चुका है लेकिन फिर भी आज तक स्कूल में नहीं गया है, इसको ABCD भी नहीं आती। संसार के साधारण माता पिता भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, ये तो भगवान के माता पिता थे, राजा थे। देवकी वसुदेव ने कृष्ण और बलराम को विद्या प्राप्त करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा, जो आज भी उज्जैन में उनका स्थान है। कृष्ण और बलराम दिव्य रथ पर सवार होकर उज्जैन की ओर निकल पड़े सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए। वैसे भगवान को किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो पूर्ण ज्ञानी है जिसके सांस से वेद प्रकट होते हैं, परंतु वे मनुष्य जीवन में आचरण करते हैं, मनुष्य को बताना चाहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। जब जा रहे थे तो आचार्यगण महात्मा गण वर्णन करते हैं कि चलते चलते उन्होंने रास्ते में देखा कि एक लड़का बेचारा परेशान था। वो लड़का और कोई नहीं, सौराष्ट्र में पोरबंदर में रहने वाला एक ब्राह्मण का पुत्र था जिसका नाम था सुदामा। वो भी उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने जा रहा था। उनके पास धन नहीं था इसलिए रास्ते से चलकर जा रहा था, चप्पल भी नहीं थे, जंगल के मार्ग से जा रहा था। कंकर पत्थर कांटे उसके पांव में लग गए। जब एक बहुत बड़ा कांटा सुदामा के पांव में लगा तो सहन नहीं कर पाए, बैठ गए उस कांटे को निकालने के लिए। कृष्ण सोने के रथ पर सवार होकर जा रहे हैं और उस समय देखा कि कोई लड़का परेशान है। कृष्ण रथ से नीचे उतरे, कहा, मित्र कोई परेशानी है? सुदामा ने कहा, ना कोई परेशानी नहीं, आप जाओ। बोले, नहीं मित्र, बोलो कुछ परेशानी है तो बताओ, मैं दूर किए देता हूं। बोले, नहीं कोई परेशानी नहीं। बोले, क्या हुआ जरा बताओ? बोले, कांटा लग गया। कृष्ण ने कहा,
इस दुनिया में कोई मेरा एक बार भी नाम ले लेता है तो जन्म जन्म का कांटा निकल जाता है, और साक्षात मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं एक छोटे से कांटे से परेशान हूं। छोड़ो मित्र, मैं कांटा निकाल देता हूं। कांटा बहुत अंदर चला गया था। कृष्ण ने अपने चिन्मय दांत से, अपने मुख से सुदामा के चरण का कांटा निकाल दिया। इसलिए तो कवियों ने लिखा है, जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू मैं हाथ। भगवान कहते हैं कि जहां मेरा भक्त अपना कदम चरण रखता है वहां पर मैं मेरा हाथ रख देता हूं कि उनके चरणों में चोट ना आए। जहां भक्त मम पद धरे वहां धरू मैं हाथ, पीछे पीछे डोलू सदा में कभी ना छोड़ू साथ। मैं सदैव अपने भक्त के साथ रहता हूं, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता हूं। कृष्ण ने कहा, मित्र तुम कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा, सांदीपनी मुनि के आश्रम में। बोले, हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ रथ में। कृष्ण ने उनको रथ पर बिठाया। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, सुदामा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हो गई। गुरुकुल में पहुंचे, पढ़ाई प्रारंभ हुई। एक दिन की बात, सांदीपनी ऋषि ने सभी बालकों को एक श्लोक याद करने के लिए कहा था। दूसरे दिन उस गुरुकुल के समय में सबको पूछ रहे थे। सुदामा का टर्न आया। सुदामा, कल वो जो श्लोक याद करने के लिए कहा था, चलो बोलो। सुदामा ने कहा, गुरुजी मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया। सांदीपनी जी ने कहा कि तुमको आज दंड मिलेगा, आज तुम्हें वन में जाना पड़ेगा लकड़े बटोरने के लिए। उसके बाद कृष्ण का टर्न आया। सांदीपनी मुनि ने कृष्ण को कहा, कृष्ण कल जो ये श्लोक याद करने के लिए कहा था बोलो। कृष्ण भी सिर खुजाने लगे, गुरुजी मैं भी भूल गया, बताओ। पूरे जगत का ज्ञान रखने वाले मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सभी जीव को ज्ञान देने वाले, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं एक श्लोक भूल गया। इसके पीछे एक ही कारण है, अपने मित्र सुदामा की मित्रता निभाना चाहते हैं कि मेरा मित्र यदि वन में जाए तो मैं गुरुकुल में कैसे रह सकता हूं, मुझे भी वन में जाना चाहिए। एक बार हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो ऐसा हुआ था, हमारा क्लास जो था सबसे डेंजर था। हम भी पढ़ने में इतने कोई खास नहीं थे। ये पांचवी कक्षा की बात है। एक बार सबको क्या मजाक सूझी, क्या मूड बन गया। जब वो क्लास टीचर आई तो सब लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर आवाज कर रहे थे। तो क्लास टीचर ने जब पूछा कि जिसने होमवर्क नहीं किया है वो क्लास छोड़कर बाहर जाओ, तो पहली बेंच पर जो बैठा था वो खड़ा होकर निकला, दूसरा निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 90 विद्यार्थी हैं थे, 90 बाहर निकल गए। टीचर ने कहा, सब लोग बाहर खड़े रहोगे, आ जाओ सब लोग अंदर। कृष्ण ने कहा कि मैं भी भूल गया। सांदीपनी ऋषि ने कहा कि तुम दोनों को आज लकड़े बटोरने के लिए वन में जाना होगा। ठीक है, ये दोनों जाने के लिए तैयार हुए। गुरु माता ने दोनों को एक एक थोड़े चने दिए कपड़े में बांध कर। कुछ सुदामा को दिए, कुछ कृष्ण को दिए। कृष्ण ने कहा, सुदामा मेरे पास कोई जेब नहीं है, एक काम करो, मेरा चना भी तुम रखो, जब भूख लगेगी तो मैं मांग लूंगा। ठीक है, दोनों वन में गए। वन में एक वृक्ष था, सूखी हुई डालियां थी। सुदामा ने कहा, कृष्ण तुम नीचे खड़े रहो, मैं जरा तोड़ कर आता हूं। कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम नीचे खड़े रहो, मैं तोड़कर आता हूं। सुदामा ने कहा, तुम राजा के बेटे हो, क्या वृक्ष पर चढ़ोगे, क्या लकड़ी काटोगे? कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम जानते नहीं हो, 11.5 वर्ष तक हमने यही किया है, बिल्कुल ट्रेंड है हम, बिल्कुल प्रैक्टिस है हमारी, तुम खड़े रहो, मैं तोड़कर आता हूं। कृष्ण गए ऊपर, लकड़ी तोड़ रहे थे, उस समय अचानक बारिश होने लगी। सुदामा को भूख लगी, अपने चने खा गए, इतनी भूख लगी कि कृष्ण के भी चने खा गए।
कृष्ण तो जानते हैं, कृष्ण ऊपर बैठे बैठे कहने लगे, सुदामा मुझे कुछ खाने की आवाज आ रही है। सुदामा ने कहा, नहीं कृष्ण, तो बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, मेरे दांत कांप रहे हैं, दांत का आवाज आ रहा है। कुछ देर के बाद कृष्ण नीचे उतरे, सुदामा को कहे, मित्र मुझे भूख लगी है, मेरे चने जरा दे दो। सुदामा ने कहा, कृष्ण वो तो मैं खा गया, अब भगवान को भोग लगाए बिना यदि हम भोजन करते हैं तो इसकी कैसी हालत होती है, सुदामा के चरित्र से आपको जानना चाहिए। कृष्ण को भोग नहीं लगाया, कृष्ण को नहीं खिलाया, और इसीलिए आगे चलकर सुदामा दरिद्र हो गए। उस गुरुकुल में 64 दिन में 64 कला सीखकर कृष्ण मथुरा गए, जरासंघ के साथ युद्ध करके मथुरा को छोड़ दिए, द्वारिका गए और द्वारिका में सोने की नगरी का निर्माण किया और 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया। और दूसरी ओर सुदामा पोरबंदर में रहने लगे, उन्होंने विवाह किया, पत्नी का नाम सुशीला। वास्तव में नाम जैसे ही गुण थे, और चार चार पुत्र थे, संतान थे सुदामा के, लेकिन बड़ा दरिद्र जीवन था उनका। रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं। सुदामा के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। सुदामा के बच्चे उनकी माँ को कहते थे, माँ भूख लगी है, तब माता जी कहती थी, आज एकादशी है, आज निर्जला उपवास है। दूसरे दिन भूख लगी है, बोले आज द्वादशी है, आज त्रयोदशी है। इस प्रकार 10-15 दिन बीत गए, उस बच्चों ने कुछ नहीं खाया और बेचारे मूर्छित सी अवस्था में बच्चे सोए हुए हैं। माँ का हृदय था, वह सुशीला नहीं रह पाई, अपने पति सुदामा के पास आई, अपने पति से कहने लगे, पतिदेव आप यह मत समझिएगा कि मैं आपको डांट रही हूं या शिकायत कर रही हूं, लेकिन बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि हमको भोजन कब मिलेगा, भोजन कब मिलेगा। मैं उसे क्या जवाब दूं, अब तो मैं झूठ बोल बोल के थक गई हूं। मैं नहीं कहती हूं कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करो, आप किसी से कुछ दान लेकर आओ, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका नियम है, आपका व्रत है कि आप मर जाओगे लेकिन किसी से मांगोगे नहीं, अयाचक वृत्ति है आपकी, आप कभी भी किसी से मांगो नहीं, मैं जानती हूं। परंतु बच्चों का दुख भी नहीं देखा जा रहा है, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करती हूं। आप अक्सर ऐसा कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, तो वर्तमान में कृष्ण द्वारिका के राजा बन चुके हैं। आपके चरणों में निवेदन करती हूं कि आप एक बार कृष्ण के पास जाकर आइए, द्वारिका का राजा है, एक बार। मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि कृष्ण से कुछ आप मांगना, आप मांगना मत, वो तो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के नाथ हैं, उनकी एक दृष्टि भी यदि आपके ऊपर हो गई ना तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। जब इस प्रकार से कहने लगी तब सुदामा कहते हैं कि देवी, मित्र के घर पर तब जाया जाता है जब जीवन में सुख हो। मैं मेरे मित्र के घर पर क्या मुंह लेकर जाऊंगा, ये दुख दरिद्रता दिखाने जाऊंगा, बेचारा मेरा मित्र भी दुखी हो जाएगा। तुम ऐसा मत कहो, मैं नहीं जा सकता हूं कृष्ण के पास। सुदामा की पत्नी सुशीला उनके चरणों में गिर गई, आप एक बार जाकर आइए, आप कुछ मांगना मत, एक बार जाकर आइए। जब बार बार वह सुशीला सुदामा को निवेदन करने लगी, सुदामा अपने मन में सोचने लगे कि भगवान की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है, मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है कि आज भगवान के पास जाने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है कि आप भगवान के पास जाओ। और कहां कलयुग की पत्नी है? एक तो आदमी मंदिर जाता नहीं, और रविवार को यदि मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ तो पत्नी पूछती है, कहां जा रहे हो? मंदिर में, इस्कॉन में। यदि मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगी,
जानते नहीं हो, फ्रिज बिगड़ गया, एसी बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। धन्य है सुदामा की पत्नी जो आज अपने पति को भगवान के पास भेज रही है। पत्नी हो तो ऐसी, इसी को पत्नी कहते हैं जो अपने पति को धर्म में सहायता करे। पति धर्म कर रहा हो, सहायता दे, उसे वास्तविक पत्नी कहते हैं। सुदामा जी ने मन में सोचा, अयम ही परमो लाभो कृष्णोत दर्शन लालसा। सुशीला की बात गलत नहीं है, मैं द्वारिका जाऊंगा तो मुझे भगवान का दर्शन होगा, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। तो भगवान से मांगने के उद्देश्य से नहीं, भगवान के दर्शन की इच्छा से सुदामा पोरबंदर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। बोले ठीक है देवी, तुम यदि चाहती हो कि मैं कृष्ण के पास जाऊं तो मैं तैयार हूं, लेकिन जब अपने से छोटे के घर पे जाते हैं ना, कृष्ण मुझसे छोटा है, और जब छोटे के घर पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाना होता है। सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई, पड़ोसी को कहने लगी कि कुछ कुछ भोजन, कुछ अनाज दे दो, द्वारिका जा रहे हैं, जा रहे हैं, दुर्बल देह है, लकड़ी के सहारे चल रहे हैं, तेज हवा आए तो सुदामा गिर जाए, इतना बारीक शरीर है, हड्डी दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे उस मार्ग से चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन मन में बहुत संकल्प विकल्प हो रहे हैं। सुदामा सोच रहे हैं कि कृष्ण मुझे पहचानेगा, कृष्ण की पत्नी मुझे देखकर क्या सोचेगी, लक्ष्मी का नाथ ऐसे दरिद्र के साथ मित्रता रखता है, यदि कृष्ण ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो। बहुत संकल्प विकल्प हो रहे हैं, और ये सोचते सोचते सुदामा पोरबंदर से द्वारिका पहुंच गए। जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो सुदामा अवाक रह गए, ये मैं जागृत में देख रहा हूं कि कोई स्वप्न है। अद्भुत नगरी है द्वारिका, सोने से बनी हुई है, और जैसे ही उस द्वारिका के द्वार पर पहुंचे, उस द्वार से अंदर जाने लगे, तुरंत द्वारपालों ने सुदामा को रोक दिया। कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा कृष्ण से मिलना है। क्यों क्यों कृष्ण से मिलना है? सुदामा ने कहा कृष्ण मेरा मित्र है। जैसे ही द्वारपालों ने सुना, जोर जोर से हंसने लगे, तुम्हारा मित्र है कृष्ण? अरे स्वर्ग का देवता इंद्र भी कृष्ण को मित्र कहने में लज्जा महसूस करता है, और तुम भिखारी अपने आप को मानते हो कि तुम कृष्ण के मित्र हो? क्या कृष्ण को दुनिया में मित्रता की कमी थी कि तेरे जैसे भिखारी को मित्र बनाया? भिखारी सुदामा को का अपमान करने लगे। सुदामा बार बार कह रहे कि मैं मित्र हूं, मुझे मिलने दीजिए। तो उस समय किसी एक द्वारपाल ने सुदामा को धक्का देकर कहा, तेरे जैसे हजारों आते हैं, वापस चला जाए यहां से। अब उनके धक्के से तो सुदामा जी बहुत दूर जाकर गिर गए, लेकिन गिरते गिरते सुदामा ने कहा कृष्ण का दर्शन नहीं होगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन जिस समय कृष्ण इस द्वार से बाहर निकलेंगे और उनकी दृष्टि यदि मुझ पर जाएगी तो उनको इतना कह देना कि तुमको मिलने के लिए पोरबंदर से सुदामा आया था, मुझे विश्वास है इतना सुनकर भी कृष्ण मेरे ऊपर दो आंसू गिराएगा, विश्वास। इतना सुनकर उन अनेकों द्वारपालों में से एक द्वारपाल को दया आ गई। बोले होना हो सकता है कभी कृष्ण ने इनको मित्र बनाया होगा, कृष्ण को खबर तो देनी उचित है। वह द्वारपाल कृष्ण को खबर देने के लिए गया। कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, ये सब लोग कृष्ण को भोजन करा रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं।
और उसी समय वह द्वारपाल वहां पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा, प्रभु आपको मिलने के लिए कोई आया है। नारायण कवि ने बहुत सुंदर इस घटना का वर्णन किया है। प्रभु आपको मिलने के लिए कोई आया है। कौन आया? वो द्वारपाल कहने लगा, शीश पगान जगातन पे जान सो आही बसे के ही गामा, धोती पटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा। नारायण जी ने लिखा है, शीश पगान जगातन पे, प्रभु उसके शरीर पर कोई जगह नहीं है, कहां से आया है, कहां रहता है कुछ नहीं बताया, लेकिन फटी हुई धोती पहनी है, एक छोटा सा दुपट्टा है और अपने पांव पर खड़े रहने में समर्थ नहीं है, लकड़ी के सहारे खड़ा है, दुर्बल देह है। शीश पगान जगातन पे जाने सो आही बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रयो चकिसो बसुधा अभिरामा। द्वार पर खड़ा है और एक दृष्टि से देख रहा है कि कब कृष्ण आएंगे। प्रभु आपकी राह देख रहा है, आपको मिलना चाहता है, वो ऐसा दावा करता है कि वो आपका मित्र है। कृष्ण ने कहा, लेकिन आपने उसका नाम पूछा? बोले हाँ प्रभु, जब मैंने उनका नाम पूछा, पूछत दीन दयाल को धाम, कहे तुम्हारा नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही उस द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द निकला, भगवान कृष्ण अपने सोने के सिंहासन से कूद गए और कृष्ण दौड़ने लगे उस सुदामा को मिलने के लिए। रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी, ये सब लोग कहने लगे, कृष्ण कौन आया, ये कौन है? लेकिन आज किसी को जवाब देने का समय नहीं, कृष्ण तेज गति से दौड़ने लगे। द्वारिका के जिस मार्ग पर आज तक कृष्ण तेज गति से चले नहीं थे और आज प्रभु दौड़ रहे हैं, सारी द्वारिका मार्ग पर आ गई कि कृष्ण आज हमारे स्वामी दौड़ क्यों रहे हैं। कृष्ण दौड़ कर गए, सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए, और उस समय द्वार पर सुदामा खड़े थे और कृष्ण दौड़ कर गए और सुदामा को अपने गले लगा लिया। सुदामा को गले लगाया, पूरी द्वारका देखती रह गई। कृष्ण सुदामा को गले लगाए कृष्ण की आंखों से। कृष्ण कहते हैं कि मित्र सुदामा, सुदामा की स्थिति को देखकर कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई? अरे एक बार तो मुझे याद करना था सुदामा। उस समय सुदामा ने कहा, कृष्ण मैंने आपको नहीं बताया तो क्या आपको नहीं पता था कि मेरी स्थिति कैसी है? कृष्ण सुदामा को छोड़ नहीं रहे हैं, सुदामा को आलिंगन किए हैं। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि यदि और अधिक देर तक पकड़कर रखूंगा तो ये प्राण छोड़ देगा, इतना दुर्बल देह था। कृष्ण सुदामा को अपने हाथों में उठाकर आज द्वारिका देख रही है और द्वारपाल तो शर्म के मारे मस्तक झुक गए। सुदामा को अपने हाथों में उठाकर कृष्ण अपने महल में लेकर आते हैं, सुदामा को अपने सोने के सिंहासन पर बिठाते हैं और अपनी पत्नियों को कृष्ण कहते हैं कि जाओ मेरे घर पर, आज मेरा मित्र आया है, आज सुदामा आया है, आज उनका स्वागत करना है, उनके चरण को धोना है, पानी और पात्र लेकर आओ। 16108 पत्नियां पानी और पात्र लेने गई और यहां पर सुदामा को सोने के सिंहासन पर बिठाया। कृष्ण नीचे बैठे, कृष्ण सुदामा के चरण को अपने हाथ में धोने के लिए उठाए, लेकिन सुदामा के चरण को देखकर कृष्ण कहने लगे, ऐसे बेहाल विवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आयन इते किते दिन खोए। सुदामा के चरणों में बहुत सारे कांटे पत्थर कंकर लगे हुए हैं, खून निकल रहा है, कृष्ण के हृदय में दुख लग रहा है। सुदामा सुदामा तुमने बहुत देरी कर दी,
तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, सुदामा तुमने बहुत देरी कर दी। सुदामा के चरण को देखकर कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे मित्र की ऐसी स्थिति, मेरा मित्र ऐसी, ऐसा दरिद्र ऐसी स्थिति जी रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इस दीन दशा को देखकर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज जिसको हम हे कृष्ण करुणा सिंधु कहते हैं, लेकिन आज करुणा का सागर सुदामा की स्थिति को देखकर रो पड़ा। कृष्ण के आंखों से अजस अविरत अश्रु धारा बहने लगी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कृष्ण की आंखों से इतने अश्रु निकले, इतने अश्रु निकले भक्तों, सुदामा के चरण को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी। वे 16,108 रानियां पानी और पात्र को लेकर खड़ी रह गई, लेकिन कृष्ण ने तो अपने आंखों के अश्रु से ही सुदामा के चरण को धो दिए। कृष्ण के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। नैनन के जल से पग धोए। भगवान अपने भक्त के दुख को नहीं देख पाते हैं। तब भगवान ने कहा कि अब हम सुदामा को स्नान कराएंगे। सुदामा को स्नान कराने के लिए 16,108 पत्नियां एक एक बाल्टी पानी भर कर लाई। सुदामा ने कहा, कृष्ण ये सब लोग पानी लेकर क्यों आए? किसी का अभिषेक है? कोई कुआं भरना है? बोले, नहीं, ये सब तुम्हें स्नान कराना चाहती हैं। सुदामा ने कहा, पहले से ही दुर्बल देह है और ऊपर से 16,108 बाल्टी का पानी डालोगे तो न्यूमोनिया हो जाएगा, यहाँ द्वारका में ही शहीद हो जाऊंगा। कृष्ण, आप ऐसा मत कीजिए, आप एक बाल्टी पानी डाल दीजिए तो ये फल आपकी पत्नियों को तो अपने आप मिल जाएगा। कृष्ण ने सुदामा को स्नान कराया और सुंदर वस्त्र दिए। कृष्ण और सुदामा दोनों एक कमरे में बैठे हैं। अब तो पत्नियों को छुट्टी दे दी है, अब कृष्ण सुदामा अकेले एक कमरे में। सुदामा जब से आए हैं तब से कुछ छुपा रहे थे, कृष्ण देख रहे थे कि अब देंगे, लेकिन ये दे नहीं रहे थे। कृष्ण और सुदामा एक शैया पर सोए थे और बचपन की याद कर रहे थे। कृष्ण सुदामा को कहने लगे, सुदामा यार, तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। कम से कम शादी में तो बुलाता, कम से कम इन्विटेशन कार्ड तो भेजता। बस सुदामा, तू मुझे भूल गया? सुदामा कहते हैं, कृष्ण, मैं तो एक बार भूला, आप 16,108 बार भूल गए। मैं तो एक बार भूला, लेकिन आपकी तो 16,108 शादी हुई, कम से कम एक बार तो मेरी याद आती। दोनों मित्रों के बीच में बड़ा सुंदर संवाद भागवत में विस्तार से वर्णन है। कृष्ण कहने लगे, सुदामा तुम अपने घर से आए हो, मेरी भाभी ने कुछ तो मेरे लिए दिया होगा। सुदामा ने कहा, क्या बचा है हमारे पास, क्या दिया होगा? यद्यपि सुदामा लाए थे, लेकिन द्वारिका का अपूल ऐश्वर्य देखकर, अनंत ऐश्वर्य देखकर सुदामा ने सोचा कि यदि मैं कृष्ण को दूंगा तो कृष्ण की पत्नी क्या कहेगी कि ये क्या चावल लेकर आया है। कृष्ण की हंसी हो जाएगी, कृष्ण की मजाक हो जाएगी, ये सोचकर नहीं दे रहे थे। कृष्ण ने देख लिया, बोले, मेरी भाभी ने कुछ तो दिया होगा, सुदामा दे दो मुझे। बोले, नहीं दिया। कृष्ण ने कहा, सुदामा याद करो, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, याद है? बोले, याद है। बोले, तुम पाठ भूल गए थे, याद है? याद है। हम दोनों को गुरु माता ने चना दिया था, याद है? याद है। मेरे चने मैंने आपको रखने के लिए दिए थे, याद है? याद है। जब मैं पेड़ से नीचे उतरा और तुमसे चना मांगा
तो तुमने कहा कि मैं वो खा गया, याद है? बोले याद है। बोले सुदामा, वो चने तुम मेरे खा गए, अब तो वो चने बाहर निकालो। इतना बोलते ही सुदामा ने वो जो सुशीला ने जो देकर रखा था ना, अपने कमर में छुपाया था, इतना कह के बोले अब तो वो बाहर निकालो। इतना कह के कृष्ण ने वो चावल निकाल दिए और उसे खोलकर कृष्ण खाने लगे। जैसे ही उस चावल को खाने लगे, कृष्ण को बड़ा आनंद आने लगा। चावल के एक एक ग्रास पर कृष्ण को रोना आने लगा, कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा। एक ग्रास खाया, दूसरा खाया, जैसे ही तीसरा खाने गए, रुक्मणी दौड़ कर आई और कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। प्रभु प्रभु, आप इसे खाकर इतना क्यों रो रहे हो? आखिर है क्या इसमें? ये खाकर आपको आज इतना क्यों रोना आ रहा है? उस समय कृष्ण ने कहा कि यह खाकर मुझे मेरी मां यशोदा की याद आ गई। रुक्मणी तुम नहीं समझोगी, यह खाकर आज मुझे मेरे नंद बाबा की याद आई, मुझे मेरे ब्रज की याद आई, क्योंकि इसमें प्रेम भरा हुआ है, इसमें भाव भरा हुआ है। रुक्मणी ने भी वह चावल खाए। साक्षात लक्ष्मी ही है देवी रुक्मणी। और जब लक्ष्मी जी ने वह चावल खाए, सुदामा की स्थिति बदल गई। पोरबंदर में जो दरिद्रता थी सुदामा के घर पर, ये सारी दरिद्रता निकल गई। और भगवान के पास जितना ऐश्वर्य था, द्वारिका का ऐश्वर्य, ऐसा ही ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया। लेकिन सुदामा को नहीं पता है। 10 दिन तक सुदामा रहे और अंत में कहे कि कृष्ण अब मुझे वापस लौटना है। पुनः वह फटे हुए वस्त्र सुदामा को दे दिए, वापस जाने के लिए तैयार हुए। कृष्ण, उद्धव, देवी रुक्मणी, ये तीनों सुदामा को विदा करने जा रहे हैं। सुदामा को विदा करने जा रहे हैं। सुदामा बार बार कह रहे हैं कृष्ण वापस लौट जाओ, आप वापस, मैं चला जाऊंगा, आप वापस लौट जाओ। लेकिन कृष्ण आज वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे। बार बार कहने पर भी कृष्ण नहीं रुके। तब सुदामा ने कहा, कृष्ण अब एक कदम भी आगे चले तो तुम्हें मेरी कसम। तुरंत कृष्ण का चरण रुक गया, सुदामा चलने लगे। कृष्ण एक दृष्टि से सुदामा को देख रहे हैं और रो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, आपने सुदामा को इतना इतना ऐश्वर्य धन दे दिया, द्वारिका जितना ही ऐश्वर्य दे दिया, कम से कम उनको कहना तो था कि आप चिंता मत करो, तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो ठीक से पोरबंदर पहुंचते। कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, देवी जब मांगने वाला नहीं कह सकता है कि मुझे कुछ दो, तो देने वाला कैसे कह सकता है कि मैंने आपको कुछ दिया है? जब मांगा ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने तुमको कुछ दिया? ये सब छोड़ो, उद्धव जी ने कहा, कृष्ण सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर जाने के लिए आपको अपना रथ तो भेजना था, बेचारे चल के कैसे जाएंगे? आते समय तो आ गए, लेकिन जाते समय अपना रथ तो भेजना था। कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम नहीं समझोगे, यदि मैं चाहता तो मेरे सोने के रथ पर सवार करके सुदामा को पोरबंदर भेज सकता था। मैं चाहता तो सुदामा मेरे सोने के रथ के ऊपर सवार होकर जाते, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। उद्धव, इस ब्राह्मण के जीवन में कितनी दरिद्रता है, कितना दुख है, लेकिन एक बार भी मुझे नहीं कहा कि मैं इतना दुखी हूं, इतना दरिद्र हूं, और कहने की बात तो दूर रही, एक बार भी एहसास भी नहीं होने दिया। ये ब्राह्मण बहुत पवित्र है उद्धव, यह ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जहां जहां अपना कदम रखेगा, उस पृथ्वी को, उस भूमि को पवित्र कर देगा। उद्धव, आज मैं मेरी द्वारिका को पवित्र करना चाहता हूं, इसलिए इसे चलाकर भेज रहा हूं। भवत विदा भगवता तीर्थ भूताम स्वयं विभो, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। एक भक्त
तीर्थ को भी तीर्थ बना देता है। तो इस प्रकार भगवान ने सुदामा को विदा की और सुदामा पोरबंदर पहुंचे। अपने गांव में पहुंचकर जब अपनी झोंपड़ी थी वहां पर पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। सुदामा भी अफसोस करने लगे कि रीडेवलपमेंट वाले भी, सुदामा ढूंढ रहे थे तब तक तो उनकी पत्नी बिल्कुल देवी का रूप धारण कर लिया था, सुंदर वस्त्र अलंकार आभूषण, और जरोखे से बाहर आई, पतिदेव अजी स्वामी, सुदामा जी ने ऊपर देखा तो बोले ये कौन सी अप्सरा मुझे बुला रही है। बोले नहीं पहचाना, मैं आपकी पत्नी हूं। तुरंत सुदामा समझ गए, कृष्ण की कृपा हो गई। सुदामा के बच्चे आए, सुदामा ने देखा कि कृष्ण ने अकारण करुणा कर दी है, दरिद्रता चली गई। लेकिन भक्तों, सुदामा उस महल में नहीं रहते थे ऐसा वर्णन है, पत्नी और बच्चे उस महल में भले रहते थे लेकिन सुदामा तो उस गांव के दूर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां पर विरक्त जीवन बिताते थे। और इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेशु प्रशांत आत्मा चितेंद्रिय। ऐसे थे सुदामा और ऐसे थे कृष्ण की मित्रता। भक्तों, इस दुनिया में प्रायः सब लोग मित्र बनाते हैं, गली से चलते हैं तो सैकड़ों मित्र बन जाते हैं, परंतु वास्तविक मित्रता तो एकमात्र भगवान कृष्ण ही निभाते हैं। फिर भले फ्रेंडशिप डे के दिन अपने हाथ पर कितनी भी बैंड बांधो और कितने का भी नाम लिखो, लेकिन वास्तविक मित्रता निभाना तो एकमात्र कृष्ण ही जानते हैं। इसलिए मित्र बनाना हो तो कृष्ण को अपना मित्र बनाइए, पुत्र बनाना हो कृष्ण को अपना पुत्र बनाइए, प्रियतम बनाना हो कृष्ण को अपना प्रियतम बनाइए, कृष्ण से प्रेम कीजिए, कृष्ण से संबंध जोड़िए और अपने जीवन का उद्धार कर दीजिए। और उस कृष्ण से प्रेम करने के लिए नवदा भक्ति का वर्णन हुआ है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। इस प्रकार से कथा सुनना इसे श्रवण भक्ति कहते हैं, और भगवान के नाम का जाप करना इसे कीर्तन भक्ति कहते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कथा पूर्णाहुति होने जा रही है, अंत में आप सबको यही कहना है, किसी प्रकार आप भगवत कथा सुनते रहे और साथ ही साथ भगवान के नाम का जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए, क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। कृष्ण का नाम लीजिए, महामंत्र का जाप कीजिए। ये महामंत्र जो पीछे लिखा हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, कलयुग के जीवों का उद्धार इसी महामंत्र के द्वारा ही हो सकता है। तो जीवन में दो कार्य मुख्य करें, एक तो महामंत्र का जाप करें और कृष्ण की कथा सुनिए, और यदि समय मिले तो भगवान के मंदिरों में जाए, दर्शन करें, तीर्थ यात्रा में जाए, गोकुल मथुरा वृंदावन मायापुर जगन्नाथपुरी तीर्थाटन करें। और ध्यान रहे, सदैव जीवन में अच्छी संगति करें, बुरी संगति को त्याग दें, क्योंकि जीवन का आधार संगति के ऊपर होता है। अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को टीवी से दूर रखें, पाश्चात्य देश की संस्कृति से दूर रखें, और अपने बच्चों को गीता और भागवत की कथा सुनाएं। गीता भागवत की कथा सुनकर जब बच्चा बड़ा होता है तो उनके जीवन में शास्त्र का आचरण होता है, और एक गृहस्थी का वास्तविक फल तो उनकी संतान ही होती है। चाहे जीवन में गाड़ी बंगले कितना हो, पैसे हो, लेकिन बच्चे यदि बिगड़ गए तो जीवन नरक बन जाता है। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं,
उनके भविष्य को सुधारें, स्वयं भक्ति करें, बच्चों को भक्ति कराएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इन 7 दिनों में दो दो तीन तीन घंटे तक कथा हुई। इस कथा के दौरान यदि कुछ त्रुटियां रह गई हो या हमारे मुख से कोई कठोर शब्द निकल गया हो जिससे आपके हृदय में कुछ ठेस पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर, आपका दास समझकर, एक छोटा भाई समझकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी भक्तों को कि आपने बहुत प्रेम दिया। वैसे मैंगलोर क्षेत्र में हम प्रथम बार आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हम प्रथम बार आए हैं। कई जन्मों का नाता है, संबंध है, प्रेम है, ऐसा एहसास हुआ। आप सभी भक्त बड़ी उत्कंठा से, बड़ी लालसा से कथा सुनने के लिए यहाँ पर आते रहे, आप सबका धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इस कथा का आयोजन करने वाले सुंदर राम प्रभु, उनकी धर्म पत्नी रति प्रिया माता जी। मैं बारंबार दोनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि पति यदि ऐसा आयोजन करना चाहता है तो पत्नी ना कहती है, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, मेरे लिए साड़ी लेकर आओ, फलाना लेकर आओ। कभी भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें उनकी पत्नी का हाथ होता है। तो सुंदर गृहस्थी है, सुंदर जीवन है और जीव का उद्धार करने के लिए उन्होंने सुंदर आयोजन किया। और इनके साथ इनकी जो कमेटी है, जितने भक्त मिलकर सेवा किए, उन सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस कथा को सुरमयी बनाने के लिए हमारे मुंबई से आए हुए निवृत्ति प्रभु सुंदर बांसुरी बजाकर कथा में सुर दे रहे हैं, हमारे सारंगी प्रभु जो सांगली से आए हैं, प्रभुनानंद प्रभु जो मुंबई से आए हैं, हमारे रवि प्रभु ये भी मुंबई रहते हैं, इन सभी ये सब भक्त हैं और बहुत सुंदर सेवा में लगे हैं। इन सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे मधुपति प्रभु इतना सुंदर आवाज़ हमको दे रहे हैं, नहीं तो हम इतनी हाई स्केल से बोलते हैं, यदि मधुपति प्रभु ना हो, उनकी ये सिस्टम, ये कान में ये सब ना हो, तो एक दो दिन में ही हमारा गला बैठ जाता है। परंतु इनकी कृपा है कि बिल्कुल संभाल कर कंट्रोल करके रखते हैं। और आप ये मत समझिए कि ये कथा मैंगलोर क्षेत्र में हुई, इस कथा को 1.5 लाख लोग देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो मधुपति प्रभु का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ हमारे नील वसंत प्रभु जो हमारे साथ आए हैं, यद्यपि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका ज्वेलरी का बिजनेस है, श्यमंतक ज्वेल, गोल्ड और ज्वेलरी बड़ा काम है इनका, लेकिन अपने सारे काम को छोड़कर हमारे साथ कथा व्यवस्थित रूप से हो, निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए वे अपना कीमती समय निकाल कर आए। नील वसंत प्रभु को धन्यवाद। और सत्य कहूँ ये सब लोग होते परंतु आप न होते तो क्या होता, ये कुछ काम का नहीं होता, इसलिए विशेष विशेष धन्यवाद यहाँ पर पधारे हुए समस्त महानुभाव। अपना गुजराती भक्तों ने पण धन्यवाद, मैंगलोर के भक्तों को धन्यवाद, उड़पी से आए हुए यदुनंदन प्रभु और नाम नहीं जानता हूँ उन भक्तों का धन्यवाद, विशेष इस्कॉन के भक्तों का भी धन्यवाद। जब ये कथा में बैठते हैं तब कथा की शोभा बढ़ जाती है। पुनः पुनः धन्यवाद। यदि आप इस कार्य से प्रसन्न हो तो आप सबके चरणों में कृपा की भीख मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कृष्ण से प्रेम कर सके। आपके चरणों में कृष्ण प्रेम की आशा रखते हुए यह दास अपनी वाणी को विराम करता है। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद।